Hello and welcome friends. Today we are going to learn how to apply different types of color style in HTML and different types of font sizes in HTML. तो HTML में different types of font sizes कैसे लगा सकते हैं हम notepad पे code करके मैं आपको दिखाता हूँ. ध्यान से देखिएगा. यहाँ सबसे पहले HTML, फिर head, फिर title. और title में दे देंगे color and font. कलर एंड फॉन्ट और टाइटल को क्लोज कर देंगे. टाइटल को क्लोज करने के बाद यहाँ पे हेड को क्लोज कर देंगे. अब हम बॉडी टैग ले लेंगे और बॉडी टैग लेने के बाद यहाँ पे लगाएंगे पैराग्राफ स्टाइल इज इक्वल टू डबल नोटेड कॉमा में लिखिए फॉन्ट FONT. और यहाँ पे हमें देना है जो भी आप फॉन्ट लगाएंगे. जैसे मैं यहाँ लगाता हूँ कैलिबरी, मैं लिखूँगा कैलिबरी. ठीक है, तो ये फॉन्ट हमने दे दिया, इसको क्लोज करिए. अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉन्ट तो आपने दे दिया, अब यहाँ पे लगाइए साइज SIZE, तो फॉन्ट साइज होगा. ठीक है, तो यहाँ पे फॉन्ट फेस करेंगे FAC. ठीक है, फॉन्ट फेस कैलिबरी हो जाएगा. यहाँ बीच में हम हाइफन देंगे. ठीक है, तो यहाँ हाइफन दे देता हूँ और ये फॉन्ट फेस कैलिबरी हो गया. ये इनवर्टेड कॉमा हटाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे फॉन्ट साइज SIZE. फॉन्ट साइज लिख दिया हमने और फॉन्ट साइज जो होगा वो होगा 60 पिक्सल. ठीक है, क्लोज कीजिए. अब यहाँ पर जब हम आएंगे तो यहाँ पे कलर देंगे CULR, कलर ब्लू. ठीक है, ब्लू देने के बाद यहाँ पे क्लोज करेंगे. ये चीज़ यहाँ पे क्लोज नहीं होगी, डबल नोटेड कॉमा यहाँ क्लोज नहीं होगा. इसको हटा देंगे और यहाँ पे कलर हम दे देंगे. तो ये फॉन्ट साइज़ भी हमने कर लिया, कलर भी कर लिया, सब कुछ कर दिया है. अब यहाँ पे हमें वो टेक्स्ट देना है. ठीक है, मैं अपने चैनल का नाम लिखता हूँ कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन. ठीक है, अब इसको क्लोज करना है. यहाँ पे वी हटा देता हूँ और इसको यहाँ से पैराग्राफ टैग को क्लोज कर दूँगा. अब हमें दूसरा यहाँ पे इसी चीज़ को मैं कॉपी करता हूँ. देखिएगा, ये पैराग्राफ स्टाइल वाला पूरा पैराग्राफ जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको पेस्ट कर दूँगा नीचे. अब यहाँ पे साइज़ देखिए 60 है, मैं यहाँ पर 80 करता हूँ साइज. ठीक है, और कैलिबरी फॉन्ट है तो फॉन्ट भी हम चेंज कर सकते हैं. ठीक है, और इन सबको हमें सेमी कोलन से सेपरेट करना है. ये बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे आपको सेमी कोलन भी लगाना होगा. ठीक है, यहाँ पे इसको सेमी कोलन से सेपरेट कीजिए. ठीक है, वैसे यहाँ पर भी सेमी कोलन से हमें सेपरेट करना है, तो यहाँ पे सेमी कोलन लगा दिया हमने. ठीक है, और यहाँ कैलिबरी के बाद भी यहाँ सेमी कोलन से सेपरेट कीजिए आप. ठीक है, तो इस तरह से हमको सेमी कोलन से सेपरेट कर लेना है. और यहाँ पे कलर का नाम मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे हम देंगे रेड कलर. तो यहाँ लिखता हूँ रेड और यहाँ जो कैलिबरी फॉन्ट है इसके जगह मैं दे दूँगा एरियल, ARIAL, एरियल दे दिया. ठीक है, और यहाँ 80 पिक्सल है तो इसको थोड़ा और बड़ा मैं कर देता हूँ. यहाँ पे मैं कर देता हूँ 100 पिक्सल. ठीक है, तो यहाँ पे 100 हो गया. तो इस तरह से आप देख सकते हैं कैसे ये हो रहा है. अब नीचे आएंगे तो फिर यहाँ पर एक और इसमें कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट करना है. और यहाँ पे देखिए फॉन्ट और भी मिलेंगे आपको. यहाँ पे मैं फॉन्ट में आपको दिखाता हूँ एरियल राउंडेड MT, ये मैं लिखता हूँ इस बार. ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे. ठीक है, ये लिख दिया हमने. और इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इसको सेमीकोलन से सेपरेट करना है और यहाँ फॉन्ट की जो साइज़ है उसको बढ़ा देना है. यहाँ फॉन्ट की साइज़ है 120, तो इसको मैंने लिख दिया है. ठीक है, और यहाँ पर इसको अब करना है क्लोज़. तो यहाँ पे क्लोज़ करते हैं और देखिए यहाँ पे कलर के बाद क्लोज़ करना है अभी नहीं. तो यहाँ सेमीकोलन से सेपरेट कर लीजिए आप. और कलर जो है यहाँ ब्लू है तो इस बार हम क्या करेंगे, ग्रीन कलर दे देंगे यहाँ पर. तो ग्रीन कलर दे देते हैं GRWN. ठीक है, तो ये ग्रीन कलर हमने दे दिया. अब हमें यहाँ पे नीचे आके यहाँ से नीचे आएंगे, नीचे आ गए. अब यहाँ पे हम बॉडी को सबसे पहले क्लोज करेंगे
और बॉडी के बाद HTML को क्लोज करेंगे। आप यही काम नोटपैड प्लस प्लस पे भी कर सकते हैं सेम। अब यहाँ जाइए आप और इसको सेव करते हैं। हम डेस्कटॉप पे मैं सेव करता हूँ, def.html के नाम से इसको सेव करता हूँ मैं। ये सेव हो चुका है, अब इसको रन करवाने की बारी है। तो यहाँ देखिए def.html के नाम से हमने सेव किया है। इसको ओपन करते हैं क्रोम पर, ठीक है। तो जैसे ही क्रोम पे ओपन करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। ये खुल रहा है, ये देखिए, ये पहला छोटा है, दूसरा उससे बड़ा, तीसरा उससे बड़ा। तो हर बार कलर भी चेंज, साइज भी चेंज। अब देखिए मैं इसमें एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ। इसको मैं कट करता हूँ और यहाँ पर ये जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पे सब कुछ सेम है, ठीक है। इस बार मैं यहाँ कैलिबरी ही रहने देता हूँ और ये 60 पिक्सल को 90 पिक्सल बनाता हूँ, ठीक है। और कलर यहाँ चेंज करके कर देता हूँ स्काई ब्लू, ठीक है। ये हमने कर दिया कलर। अब इसको देखते हैं कि ये इसका आउटपुट कैसा आता है। इसको सेव किया हमने सेम प्रोग्राम और इसको हम यहाँ से क्रोम पे रन कराएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ी हुई है। ये देखते हैं क्या गड़बड़ी है। स्काई ब्लू के नाम से ये चलेगा नहीं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेमी कोलन हमने नहीं लगाया। तो इस तरह की गलतियाँ अगर होंगी तो ये प्रोग्राम चलेगा नहीं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। ये सब गलतियाँ आपसे नहीं होनी चाहिए। और यहाँ देखिए कैलिबरी जो फॉन्ट आपने लिया है इसके बाद भी यहाँ सेमी कोलन नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे भी हम सेमी कोलन दे देंगे और इसके बाद सेव करेंगे तो ये प्रोग्राम निश्चित रूप से चलेगा। तो आइए देख लेते हैं चल रहा है या नहीं। तो अब इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं और ये देखिए यहाँ पे ये प्रोग्राम चल रहा है। तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी कि किस प्रकार से हम ये कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें ताकि ये फ्री में हर व्यक्ति तक पहुंच सके जो भी इंटरनेट यूज़र हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।